नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और गुरुग्राम न्यूज में आपका स्वागत है। हम खबरें दिखाते हैं आपके शहर की। आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है, जैसा हमारा वादा है कि हर रोज हम 11 बजे आपको गुरुग्राम की लाइव तस्वीर से रूबरू कराएंगे। और आज हम गुरुग्राम में हैं। गुरुग्राम में आज सुबह से ही बरसात हो रही है रिमझिम। ऐसे में हमारे जो गुरुग्राम वासी है उन सभी से मैं अपील करूंगा कि आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। हम लोग आपके लिए निकले हैं और आप तक हम हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे गुरुग्राम की लॉकडाउन के दौरान, कि लॉकडाउन के दौरान गुरुग्राम में क्या स्थिति है, क्या बाहर लोग घूम रहे हैं, क्या पुलिस पूरी तरीके से काम कर रही है। इस समय हम सोना चौक पर हैं और सोना चौक से ही हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। मेरे पीछे मैं तस्वीरें दिखाऊं, पुलिस वाले बरसात में भी रुके हुए हैं आप लोगों की सुरक्षा के लिए। इसीलिए हम आप लोगों से बार बार अपील करते हैं कि पुलिस हो, डॉक्टर्स हो या सफाई कर्मचारी हो, सभी का सम्मान करें, उनका उत्साह बढ़ाएं। कि देखिए किस तरह से नाके पर छाता लेकर ये लोग 24 घंटे इसी तरह खड़े हो रहे हैं। सुबह से चूंकि बारिश हो रही है तो इसीलिए ये लोग छाता लेकर सुबह से यहाँ पर खड़े हैं और ऐसे आने जाने वाले वाहनों को लगातार चेक कर रहे हैं, उनसे वजह जानते हैं कि वो किस लिए बाहर निकले हैं। और अगर आप लोगों को कोई इमरजेंसी ना हो, कोई ज़रूरी काम ना हो, तो आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। यही अपील हम लोग आपसे बार बार करते हैं कि आप लोग बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें। पुलिस इस तरह से लगातार 24 घंटे सड़कों पर तैनात है आप लोगों की सुरक्षा के लिए, कोरोना से बचाने के लिए, ताकि जो जंग छेड़ी गई है कोरोना के खिलाफ उसमें हम लोग, हम भारतीय जीत पाएं। इसीलिए आप लोगों से बार बार अपील है कि आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरी हो तो आप अपने घरों से बाहर निकलें, और अगर आप लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो आप लोग सही तरीके से अपने आप को मास्क लगाकर, पूरी तरीके से ढककर आप घरों से बाहर निकलें। यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनको इस तरह से रोका जाता है, पूछताछ की जाती है कि आखिर वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा जो स्वास्थ्य विभाग है उन्होंने लगातार ये सुनिश्चित किया है। जो हमारे ज़िला प्रशासन है उन्होंने सुनिश्चित किया है कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो लगातार हर जगह पहुंचाई जाएंगी और किसी भी प्रकार की कोई शहर में कमी नहीं होने दी जाएगी। आज रात से ही हरियाणा सरकार ने आदेश दिए हैं कि रात से शराब के ठेके बंद कर दिए जाएंगे। बहुत से लोगों की अपील थी कि जब हर चीज़ को बंद कर दिया गया है, लॉकडाउन कर दिया गया है, सड़कों पर किसी को नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो ऐसे में शराब के ठेके क्यों खुले हैं, और वो लोगों की पुकार सरकार ने सुन ली है। इसीलिए जो शराब के ठेके हैं उनको बंद कर दिया गया है और कोशिश की जा रही है कि केवल उन्हीं को बाहर निकलने की अनुमति दी जाए जिनको बहुत ही इमरजेंसी है, किसी को अपना राशन लाना है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, तो वो अपने घरों से बाहर निकले, अन्यथा आप लोग घरों से बाहर ना निकले। आप जितने भी पुलिस वाले तस्वीरों में देखेंगे सभी ने मास्क लगाए हुए हैं और जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं उनको सबको चेक किया जाता है, सबसे पूछा जाता है कि आखिरकार वो अपने घरों से बाहर क्यों निकल रहे हैं। सड़कें देखिए, जहाँ पर घंटों घंटों गाड़ियाँ रेंगती रहती थी आज वो बिल्कुल सुनसान है, सिर्फ इसलिए कि ताकि आप लोग सुरक्षित रहें और जो 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है उस लॉकडाउन की पालना करी जाए। इसीलिए पुलिस सड़कों पर खड़ी है आप लोगों की सुरक्षा के लिए। लगातार चाहे बारिश हो, धूप हो या और कोई समस्या हो, बूंदाबांदी एक बार फिर से शुरू हो गई है और पुलिस देखिए लगातार खड़ी है सड़कों पर। अगर कोई डॉक्टर है, कोई पुलिसकर्मी है या कोई मीडिया कर्मी है तो वो अपने आई कार्ड्स दिखाते हैं, या किसी ने पास इशू कराए हैं ज़िला प्रशासन से तो वो अपने पास दिखाकर इस तरह से नाके से निकल पाते हैं। गुरुग्राम में लगभग तमाम हर सड़कों पर, हर चौक चौराहों पर इसी तरह पुलिस तैनात है और कोशिश ये की जाती है कि जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको बाहर निकलने से मना किया जाए। हालांकि आज जो हमें सड़कों पर वाहनों की संख्या दिख रही है वो पिछले 2-3 दिन के मुकाबले ज़्यादा है, क्योंकि प्रशासन ने पासेस बना कर दिए हैं। कुछ लोगों ने जो इमरजेंसी के लिए अपने पासेस बनवाए हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जिनको दोबारा शुरू किया गया है, रिज्यूम किया गया है, उनको पासेस इशू किए गए हैं, जैसे डिलीवरी सर्विसेज हैं, ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज हैं, या कोई इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, उनको पासेस इशू किए गए हैं ताकि किसी इलाके में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है। अब देखिए ये पास अपना दिखा रहे हैं,
इन्होंने अपना पास बनवाया हुआ है, जरा एक और पास पर नजर डालिए, ये हेल्थ डिपार्टमेंट से इनके स्पेशल पास बने हुए हैं, इसीलिए ये लोग ऐसे पास अपने कैरी करके चल रहे हैं ताकि लोगों को सहूलियत हो, उनको अगर नाके पर रोका जाता है तो ज़्यादा समय उनको ना लगे इसीलिए। तो अब देखिए यहाँ पर ये एक शख्स पहुँचे हैं स्कूटी से, इनसे पूछा जा रहा है कहाँ से हैं, कहाँ से है भाई साहब ये? अच्छा ये बैंक से हैं, बैंक भी खुले हैं, आपको जानकारी दे दूँ कि बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रहते हैं, इसीलिए ये देखिए बस मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, मोर की इंस्पेक्शन है, बस मोर वाला बंदा आ रहा है चेक करने के लिए। परमिशन वगैरह ले रखे आपने? परमिशन तो पूरी इफेक्ट ही चल रही है हमारी। तो 15 मिनट काम है बस, ज़्यादा टाइम नहीं। देखिए मैंने जैसे कहा था कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, मास्क बनाती हैं कंपनियां, दवाइयां कंपनियां हैं या और किसी तरीके के मेडिकल स्टोर्स हैं। अभी देखिए प्रचून की दुकान संचालक है, शायद इनकी गाड़ी में सामान भरा है, खाने पीने का सामान है, बिस्किट्स वगैरह हैं और भी सामान है, तो इसीलिए इन ऐसे लोगों को पासेस जारी किए गए हैं ताकि जो ज़रूरी सामान की सप्लाई है वो ना रुक पाए और लोगों को समस्याओं का सामना ना करना पड़े। शुरुआती 2 दिनों में ऐसी समस्या हुई थी, इसीलिए अब लोगों को पासेज इशू कर दिए गए हैं ताकि लोगों को समस्या ना हो और इसीलिए गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा से हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, तो इसीलिए गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई है क्योंकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उन पर किसी तरह का असर ना पड़े और आम जनता को इस लॉकडाउन से परेशानी ये हो रही है कि घर में हैं, काम सब बंद हो गए हैं, लेकिन जो ज़रूरी सामान की सप्लाई है, ज़रूरी सामान की आवश्यकता है, उनमें किसी तरह की कमी ना हो, इसीलिए जो पासेस हैं वो इशू किए गए हैं लोगों को और जो ज़रूरी सामान है उनको पहुँचाया जाए लोगों तक। तो एक जगह की ये स्थिति हमने आपको दिखाई है, अब हम आपको आगे लेकर चलेंगे और आगे हम आपको स्थिति दिखाएंगे गुरुग्राम के और इलाकों की कि कहां पर कैसी स्थिति है। चूंकि आज बरसात हो रही है तो ऐसे में आमजन जो पैदल हमें 2 दिनों से दिख रहे थे सड़कों पर उनमें कमी ज़रूर आई है क्योंकि बरसात का समय है, लेकिन गाड़ियों की संख्या है क्योंकि जिन लोगों ने पासेस बनवाए हुए हैं वो लोग बाहर निकल रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं, दवाइयाँ हैं, मास्क है और भी काम है जिनको छूट दी गई है इस लॉकडाउन में, वो बाहर निकल रहे हैं काम करने के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। अब आगे चलते हैं, राजीव चौक की हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे और राजीव चौक की तस्वीरें दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं और वहाँ से फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे ताकि आगे की जो भी स्थिति है वो हम आपको वहाँ से रूबरू कराएं। अभी हम गाड़ी में ज़रा बैठ रहे हैं, मैं कुछ देर के लिए बोलना रुकूंगा, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि आगे की क्या स्थिति है। बैठिए, अंदर बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी। हमें पुलिस वालों का सम्मान करना चाहिए, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट्स का सम्मान करना चाहिए, जो सफाई कर्मचारी हैं उनका सम्मान करना चाहिए। सब्जी आप तक पहुंच रही है, घरों तक पहुंचाई जा रही है जी, अभी चल रही है, लाइव है ये गुरुग्राम न्यूज पे लाइव है। बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं, हरियाणा पुलिस के साथ साथ हरियाणा होमगार्ड के जवान भी लगे हुए हैं और ये भी देखिए अपनी सेवाएं आप लोगों को दे रहे हैं और लगातार आप लोगों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर खड़े हैं, चाहे वो बरसात हो, धूप हो या रात के समय में हो, ये लगातार आप लोगों की सेवाओं के लिए सड़कों पर खड़े हैं और आप लोगों से बार बार ये अपील की जाती है कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरी ना हो तो आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, केवल आप ज़रूरी सामान खरीदने के लिए या आपको खाने पीने का सामान खरीदना है उसके लिए केवल बाहर निकला जाए। राव साहब पूछ रहे हैं भाई पासेस कहाँ बनाए जा रहे हैं, आप DC ऑफिस संपर्क कर सकते हैं इसके लिए, पासेस के लिए, या फिर आप लोग 1950 अगर आपका कोई ज़रूरी काम है, आप कोई ऐसी एजेंसी चलाते हैं, कोई ऐसी कंपनी चलाते हैं जो पब्लिक को इस समय बेहद काम आ सकती है, पब्लिक के लिए इस समय बेहद ज़रूरी है उनका, माइक ठीक करो राजवीर उनियाल जी, ज़रा माइक में कोई गड़बड़ आ रही है, ज़रा एक बार देखिए चला के कोई, राजीव जी ज़रूर मैं एक बार ज़रा चेक कर लेता हूँ क्या इसमें कोई गड़बड़ आ रही है।
मौसम का भी है बारिश, क्योंकि मौसम बाहर बरसात हो रही है तो उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कोई परेशानी हो रही हो। ये मेरा दूसरा मोबाइल उठा के दे दो, मोबाइल रखा था मेरा। राजीव जी माइक ठीक है, सिर्फ इसमें क्या है कि थोड़ा सा एम्बियंस ज्यादा आता है माइक में, मोबाइल इसीलिए थोड़ा ठीक नहीं होता, लेकिन हमारे पास लाइव की सुविधा यही है। इक्विपमेंट्स थोड़े कम है हमारे पास, लेकिन जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों को सही स्थिति से रूबरू कराएं, और सीधा प्रसारण हम इसलिए करते हैं ताकि आपको लाइव जानकारी मिले, किसी को ये ना लगे कि हम कोई मैनिपुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों तक हम लाइव जानकारी लेकर आते हैं। रोकी मेंटल जी हमारे घर सर नहीं आई सब्जी। भाई साहब आपके आसपास कोई मंडी हो, रेहड़ी लगी हो, क्योंकि बहुत से इलाकों में क्या है कि जो जिला प्रशासन है उन्होंने 19 बसें ऐसी निकाली है, जो हमारी ये लो फ्लोर बसें जो चली थी गुरुगमन, उन बसों को बनाया गया है और उनमें ज़रूरी सामानों को भर के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि लोगों को ज़रूरी सामान की किल्लत ना हो। बिल्कुल राजेश जी, इको ग्रीन के सभी कर्मचारी भी ऑन ड्यूटी हैं और हम लगातार आप लोगों के लिए भी धन्यवाद करते हैं, आप लोगों के काम की सराहना करते हैं कि ऐसे लॉकडाउन में आप लोग भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। पासेज मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, देखिए आदित्य शर्मा जी, अगर पासेज रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएंगे तो ऐसे में जो ज़रूरी सामानों की सप्लाई है वो ज़रूर इफ़ेक्ट होगी, और ये पासेज जो है केवल उन लोगों के लिए रखे गए हैं जो ज़रूरी सामान सप्लाई करते हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ की कंपनी चलाते हैं जिससे जो लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। प्लीज़ उन एरियाज़ में भी जाएँ जहाँ रश होने के चांसेस ज़्यादा हो। ऐशोन जी, हम दो दिनों से यही चीज़ें लोगों को दिखा रहे हैं कि कहाँ पर ज़्यादा रश है, और कुछ लोगों से हमने रास्ते में बातचीत भी करने की कोशिश की है कि लोग अपने घरों से ना निकलें बेवजह। और आज थोड़ा हम ऐसे इलाके में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बरसात है, तो ऐसे में सड़कों पर हमें जो पैदल मूवमेंट कर रहे हैं लोग वो कम दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां वो हमें दिखाई दे रही हैं जो ज़रूरी काम से निकले हैं, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, कंपनियां दफ्तर खोलने का समय होता है, कर्मचारी हैं उनके साथ, तो इसलिए वो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और उनके जो पासेस बने हुए हैं आप देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, राजीव चौक अंडरपास के ऊपर है हम, और यहाँ देखिए आप बरसात में जिनकी मैं अभी बात कर रहा था, चाहे वो इको ग्रीन हो या नगर निगम हो, कर्मचारी यहाँ पर लगातार काम में जुटे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर सामने कर्मचारी आ रहे हैं, उन कर्मचारियों की तस्वीरें मैं आपको देखिए, यहाँ पर ये कर्मचारी हैं, चार कर्मचारी चल रहे हैं, ये सफाई करके आए हैं। अब इन लोगों की भी हमें तारीफ करनी चाहिए कि ये लोग देखिए किस तरह से बरसात में भी हमारे मनु मेहता जी इनके लिए तालियां बजा रहे हैं, और हम सबको ऐसे लोगों के लिए सम्मान की नजरों से इनको देखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो हमारे लिए ऐसी बरसात में सड़कों पर है, हमारे लिए साफ सफाई कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा काम है और हम सल्यूट करते हैं आप लोगों को, धन्यवाद बहुत बहुत। मास्क आपके पास, मास्क नहीं है, सिर्फ हम आप लोगों से इतनी अपील करते हैं कि आप लोग भी अपनी सेहत की अपने सेहत की ध्यान रखें और आप भी प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, और ये मास्क आप लोग लगाएं जिनके पास नहीं है मास्क। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ऐसे लोगों का देखिए हमें सम्मान करना चाहिए कि वो खुद हमें सल्यूट कर रहे थे जबकि हमने उनको सल्यूट किया, और बहुत अच्छा काम उनका है। अब देखिए यहाँ दो लोग और हैं जो रास्ते में कूड़ा उठाते चल रहे हैं, बड़ा अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, हम लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए आप सभी लोगों को। ये लोग देखिए यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग ऐसी स्थिति में भी हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम राजीव चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, आदित्य शर्मा जी बिल्कुल आपकी बात जायज़ है कि अगर लोग बेवजह घरों से बाहर निकलेंगे तो जो लॉकडाउन का उद्देश्य है वो शायद कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। बिल्कुल अशोक राय जी, पिछले दो दिनों से गुरुग्राम में कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है, और मेहता जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा एक बार ज़रा वाइपर चला दीजिए क्योंकि कैमरा जो है वो ब्लर हो रहा है जी। अब राजीव चौक के ऊपर हम हैं और देखिए सामने यहाँ भी पुलिस वाले खड़े हैं, अभी इको ग्रीन की एक गाड़ी जा रही है कूड़ा उठाने वाली, देखिए ये जो घरों से गाड़ियां कूड़ा उठाती हैं ये वो गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं,
और देखिए सामने यहाँ राजीव चौक के नीचे भी पुलिस वाले खड़े हैं। हम आगे की तरफ और चलते हैं सोना रोड पर, थोड़ा सा आगे चलने के बाद यहाँ पर भी एक पुलिस नाका पुलिस ने लगाया हुआ है। वहाँ की स्थिति हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की स्थिति क्या है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बंद है, इसीलिए लोग, अब देखिए ये आर्मी के हमारे जवान हैं। सर जय हिंद। सर कहाँ से आ रहे हैं आप? BSF से थे। देखिए हमारे जवान हैं, इनकी भी हमें सल्यूट करना चाहिए इन लोगों को। और देखिए ये भाई साहब जो UP नंबर गाड़ी ले रहे हैं, वो उनको लिफ्ट दे के यहाँ कर यहाँ तक लेकर आए थे। ऐसे लोगों की भी सराहना करनी चाहिए कि हमारे देश के जवानों को वो इस तरह की जो मदद है वो कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो इस तरह की मदद भी हम लोगों को, ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। और कल हमने एक खबर डाली थी कि DLF फेज 3 के एक अर्जुन पांडे हैं, अंबिका कपूर हैं जो मियाँ बीवी हैं, उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है, लेकिन वो गरीबों की मदद कर रहे हैं और रोज़ाना करीब 400 लोगों को वो फ्री में खाना खिला रहे हैं। अभी कुछ लोग सामने से पैदल आ रहे हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार वो लोग कैसे यहाँ पर हैं और सामान ये ले रहे हैं, कहाँ ये जा रहे हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। क्या ऐसी मजबूरी थी कि आखिर ये लोग घरों से बाहर निकले हैं? मैता जी जरा गाड़ी रोक दीजिए आप। भाई साहब आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सर ये शंकर चौक पे हमारा कमरा पर्सनल, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ खाने वाने का दिक्कत हो रही थी सर। अच्छा कहाँ पे रहते हैं आप? हम शंकर चौक पे रहते हैं सर, वहाँ कमरा नाथुपुर में। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी हम सुभाष चौक में रहते थे सर। अच्छा सुभाष चौक में आप लोग रहते थे, तो यहाँ पे फिर समस्या क्या हो रही है आप लोग? हमारे पास पैसे नहीं था सर, राशन वासन नहीं मिला था, ऐसे भूखे पड़े हुए थे वहाँ पे, तो इसीलिए पैदल आप लोग सामान लेकर अपना वहाँ पर जा रहे हैं सर। ठीक है, तो देखिए ऐसे लोगों को जो समस्याएं हो रही है, हम लोगों को ऐसे लोगों की भी मदद करनी है कि जिनको खाने का सामान नहीं मिल पा रहा है, सर्वाइव कर रहे हैं वो बड़ी मुश्किल से ऐसे कठिन समय में, तो इसीलिए ऐसे लोगों की हम लोगों को मदद करनी चाहिए। और ताकि कोरोना से तो हम साथ साथ लड़ ही रहे हैं, लेकिन कोरोना के अलावा हमें ये भी कोशिश करनी है कि हमारे देश में कोई भूख से ना मरे। अब हम लोग भी आप लोगों के लिए लगातार इसी तरह की तस्वीरें सामने लेकर आते रहेंगे। हमारी अपील है कि आप इस खबर को शेयर भी करते रहें, इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी करते रहें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारियाँ पहुँचें। और हमारी ये भी आप लोगों से अपील है कि आप लोगों के पास सोशल मीडिया पर अगर कोई जानकारी आती है, तो आप उन जानकारियों को, उन खबरों को बिना सत्यापित किए, बिना कन्फर्म किए उनको फैलाएं नहीं, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सोशल मीडिया पर फर्जी फैलाई जाती हैं, जिससे अफवाहें फैलाई जाती हैं, जिससे पैनिक हो जाते हैं लोग। जैसे एक जानकारी कल आई थी कि गुरुग्राम के चिराग हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं, और इसलिए कोरोना मरीजों के मिलने के चलते उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया, जबकि वो जानकारी गलत थी। मुझे कई लोगों ने मैसेज किए, हमारे फेसबुक पेज पर भी कई लोगों के मैसेजेस आए ये बात कंफर्म करने के लिए। हमने वो कंफर्म करके डाला और वहीं के एक कर्मचारी ने ये जानकारी दी कि चिराग हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने एहतियात के तौर पर जो उनका मेन दरवाज़ा था उसको केवल उन्होंने बंद किया था, और उनकी कोशिश थी कि जो इमरजेंसी गेट है केवल उसी को खोला जाए, लोग एक ही दरवाजे से आए जाएं, और वो खुद सैनिटाइज अपने अस्पताल को कर रहे थे कि अगर कोई गलती से कोई मरीज़ ऐसा आ गया हो या जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखे थे कोरोना के, वो यहाँ पर आ गए हों तो बाकी मरीजों को दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्होंने खुद ही हॉस्पिटल के मेन गेट को अपने रिबन से उन्होंने क्लोज किया था और एक दरवाज़ा खोला था ताकि इमरजेंसी गेट का ही उपयोग किया जाए, एक ही दरवाजे का उपयोग किया जाए। तो इसीलिए आप लोगों से अपील है कि जो अफवाहें होती हैं उन पर ध्यान ना दें और गलत अफवाहें ना फैलाएं, ताकि जो पैनिक है वो क्रिएट ना हो। अब हम ताऊ देवीलाल स्टेडियम के सामने हैं, यहाँ पर भी पुलिस नाका लगा हुआ है। देखिए बरसात धीरे धीरे हो रही है तो लोग गुजर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले देखिए कि परमानेंट यहाँ पर खड़े हैं और बरसात में हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं। हम जब सड़कों पर निकलते हैं तो हमें वो असली हीरो देखने को मिलते हैं, जिनकी बदौलत आज हम लोग घरों में सुरक्षित बैठे हैं।
ऐश ऑन वैकेशंस। भाई साहब, गुरुग्राम में केवल 10 केसेस हैं कोरोना के पॉजिटिव केसेस, उसके अलावा कोई पॉजिटिव केसेस अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ कि पुलिस देखिए बरसात में यहाँ भी परमानेंट खड़ी हुई है, और जितनी भी गाड़ियाँ आ जा रही हैं उनको चेक किया जाता है, उनको पूछा जाता है कि आखिरकार वो घरों से बाहर क्यों निकले हैं। अगर किसी ने कोई पासेस बनवाए हुए हैं, ये मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, वो यहाँ से जा रही हैं। ये मैडम देखिए मेदांता की ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है और ये अपने हॉस्पिटल जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को एग्जम्पशन दी गई है। ये इनकी गाड़ी पर पास लगा हुआ है, कुछ सामान है इनके पास, ये देखिए ये यहाँ पर इनका स्पेशल इनका पास लगा हुआ है। ऐसी गाड़ियों को जिनमें खाने पीने का सामान की सप्लाई की जाती है, उन गाड़ियों को एग्जम्पशन दी गई है, और पुलिस भी उनको एक बार उनके जो पासेज हैं उनको चेक करके फिर जाने देती है। अन्यथा अगर आप बेवजह घरों से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को समस्या हो सकती है। देखिए जैसे बाइक पर सवार होकर आए हैं, इनसे पूछा गया है कहाँ से आए हैं, वो आई कार्ड अपना कोई दिखा रहे हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, और ये अपना पास अपने जो आईडी कार्ड है वो अपना दिखा रहे हैं, इसीलिए इनको अब जाने दिया जाएगा। नगर निगम के कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, हम सब लोगों को इनकी सराहना करनी चाहिए कि हमारे लिए ये लोग दिन रात काम कर रहे हैं। पुलिस हमारे लिए सड़कों पर काम कर रही हैं, डॉक्टर्स अस्पतालों में हैं, सफाई कर्मचारी हमारे लिए जगह जगह सफाई के लिए काम कर रहे हैं। रास्ते में आपको दिखाया था, क्या नाम है आपके फादर का? श्याम सुंदर लाल चारिया। अच्छा, आप कहाँ हैं? आपके मेदांता में छोड़ के आए हैं। बिल्कुल करम भोगी जी, मैंने सभी सरकारी कर्मचारियों का नाम लिया, चाहे वो हमारे टीचर्स हो अगर इस ड्यूटी में लगे हैं, चाहे हमारे बाकी कर्मचारी हो जो हमारी ड्यूटी में लगे हैं, इस कोरोना से जो खिलाफ़ जो जंग छिड़ी है उस जंग में लगे हैं, उन सभी कर्मचारियों का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि वो लगातार हम लोगों को सुरक्षित रखे हुए हैं। देखिए जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं पुलिस उनको रुकवा के इस तरह से काम कर रही है, उनको रोक रही है। आप डॉक्टर हैं जी? ये ऐसे लोगों को डॉक्टर सर एक्चुअली स्टाफ से है, अभी बाकी लोगों को छुट्टी भी मिली हुई है, हम लोग पेशेंट को केयर करने के लिए कोई ना कोई सपोर्ट तो चाहिए ना। बिल्कुल, आप लोगों को सल्यूट है सर, आप लोगों को कि आप लोग सब लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, पुलिस वाले हैं उनको भी हम सलाम करते हैं, आप लोगों को भी सल्यूट करते हैं हम कि आप लोग इस जंग में हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए लगातार आप लोग लगे हुए हैं। देखिए पासेस जो लोग लेके चल रहे हैं, एग्जम्पशंस हैं जिन लोगों की, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से हैं ये। पास भी बनवाओ, ये तो परमिशन है, आप अपने व्हीकल का भी तो पास बनवाओ ना। तो ये आप तो पुलिस हमारे लिए लगातार देखिए खड़ी है, लगातार बरसात का मौसम है, सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन देखिए रेनकोट पहनकर यहाँ खड़े हैं ऐसी स्थिति में, और हम सब लोगों को पुलिस की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये लोग लगातार सड़कों पर हमारे लिए खड़े हैं आप लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इसीलिए आप लोगों से बार बार अपील की जाती है कि आप लोग घरों से बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, कोई ज़रूरी काम ना हो तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, इमरजेंसी होती है तो आप लोग इमरजेंसी में अस्पताल जाना है, राशन लेने जाना है, राशन की दुकानें आप लोगों के आसपास खुली हुई हैं, राशन की दुकानों को बंद नहीं किया गया है, आप लोगों को राशन लेना है तो आप लोग घरों के आसपास जो दुकानें हैं वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं। आपको आपने कोई ऐसी कंपनी खोली हुई है, ऐसी कोई फ्रेंचाइजी खोली हुई है जो रोज़ाना पब्लिक के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें उसमें बनती है, तो आप लोग अपने स्पेशल पासेज बना सकते हैं और उन पासेज के ज़रिए आप लोग फिर अपनी कंपनियों में या अपने उस प्रोडक्शन हाउस में आप जा सकते हैं जहां पर आप लोग वो सामान बनाते हैं, ताकि जनता का जो जनता को
21 दिनों तक लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। उस दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, खाने पीने की चीज़ों की कमी ना हो। तो देखिए, इन लोगों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है पुलिस वालों की। चलिए, हम अभी तो कोई गाड़ी नहीं, हम सर से एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। मोनू जी, आप कैमरा पकड़िए ज़रा। सर, सबसे पहले तो आप लोगों को सलाम है, सल्यूट है कि आप लोग बरसात में भी आप लोग खड़े हैं हम लोगों की सेवाओं के लिए, और लगातार आप लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, अपना फ़र्ज निभा रहे हैं कि लोग घरों से बाहर ना निकले। लगातार आप लोग उनको अवेयर भी कर रहे हैं। मेरा ये जानना है आपसे कि आज कुछ वाहनों में या कुछ पैदल जाने वालों में कमी आई है कुछ? हाँ, कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। अच्छा, अधिकतर जो लोग आपको मिलते होंगे, जो आते हैं गाड़ियों में आते हैं, आप लोग रोकते हैं, उनको चेक करते हैं, पूछते हैं, तो कौन लोग होते हैं, आखिर क्यों घरों से बाहर निकल रहे हैं ज़्यादा? या तो जो कंपनी वाले हैं, मैनेजमेंट वाले, किसी वर्कर की पेमेंट वगैरह है, या फिर कोई राशन लाने वाले, या हॉस्पिटल जैसे कोई बच्चा बीमार हो गया उनको ले जाने वाले। अच्छा, और बाकी जो अपने घरों को छोड़ रहे हैं या अपने स्टेट जा रहे हैं, वो पैदल जा रहे हैं, वो अभी भी इतना नहीं है, कम है। तो सर, बरसात हो रही है, ऐसे में आप लोगों को समस्या भी हो रही है, लेकिन लगातार आप लोग खड़े हैं। देखो, ड्यूटी बराबर करनी पड़ेगी, जो गवर्नमेंट ने लगा रखा है तो ड्यूटी करनी पड़ेगी। चलिए सर, इसीलिए हम लोग आप लोगों को सल्यूट करते हैं कि आप लोग इधर हो जाओ भाई, थोड़ा ध्यान रखा करें आप भाई। सड़क पर हम खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको अपना भी ध्यान रखना है कि कोई गाड़ी की चपेट में ना आ जाए, वाहन की चपेट में ना आ जाए। तो ये वाहन इसलिए जल्दी निकल गया क्योंकि ये पुलिस की गाड़ी थी, किसी अधिकारी की गाड़ी थी, तो उनको जाना होगा मीटिंग क्योंकि चल रही है। लगातार अधिकारी जो हैं वो मीटिंगों का दौर रखे हुए हैं कि लोगों को समस्या ना हो ज़्यादा, कैसे इस समस्या को हम कम करें, जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं। इसीलिए जो अधिकारी हैं वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कम से कम समस्या हो ऐसे लॉकडाउन के दौरान। और जो सड़क पर खड़े हैं हमारे पुलिस भाई खड़े हैं जितने भी, उन लोगों को बार बार सल्यूट करने का मन करता है कि वो ऐसी विपरीत स्थिति में भी अपनी ड्यूटी को पूरे तरीके से निभा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग बिना काम घरों से बाहर ना निकलें, ताकि किसी प्रकार से जो ये कोरोना वायरस की महामारी फैल रही है इसको कंट्रोल में लाया जाए। अच्छी बात यह है कि गुरुग्राम में पिछले 48 घंटे कल शाम तक कोई पॉजिटिव केस नहीं था। आज की रिपोर्ट जो है वो शाम तक आएगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि गुरुग्राम में टोटल केसेस कितने हैं। लेकिन कल शाम तक जो केसेस थे वो 10 पॉजिटिव केसेस थे, जिनमें से तकरीबन 250 के आसपास, 350 के आसपास सैंपल लिए गए थे, और 250 के आसपास जो सैंपल्स थे वो नेगेटिव आए हैं। ये एक अच्छी बात है कि वो नेगेटिव आए हैं, 10 पॉजिटिव केसेस हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठीक हो चुके हैं। आज शाम की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर असल स्थिति आज की तारीख में क्या है गुरुग्राम में। लेकिन देश की अगर स्थिति की बात करें तो केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि ये अभी थर्ड स्टेज में नहीं पहुंच पाया है हमारा जो लॉकडाउन है। अगर इसको हम इसी तरह से सफल बनाएंगे, अपने घरों में रहेंगे, बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इस जो स्थिति है ये, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे और कोरोना को हम अपने देश में जड़ से ख़त्म कर पाएंगे, ताकि ये महामारी ना फैले, लोगों को नुकसान ना हो। इसीलिए आप लोगों को इस लॉकडाउन को सफल बनाना है 14 अप्रैल तक। आज का दिन लगा के 19 दिन बच गए हैं, 19 दिन तक आप लोगों को कोशिश करनी है कि घरों से बाहर ना निकलें। हमारे भारतीय परिवेश में कहा जाता है, हमारी संस्कृति ये है कि हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, हमारा जो परिवेश है वो जॉइंट फैमिली का है। लेकिन आज के आधुनिक समय ने एक ऐसा समय ला दिया था कि सुबह हम दफ्तर के लिए निकलते, शाम को घर पहुंचते, और फिर घर पहुंच के फ़ोन में थोड़ी देखा हमने थोड़ी देर, उसके बाद हम लोग सीधा, मेहता जी कुछ मुझे कमेंट दिखा रहे हैं, मैं वो कमेंट पढ़ लेता हूँ। ये खुद पॉजिटिव केसेस ने खुद अपील की है, ये ऐश ऑन वैकेशंस ये कह रहे हैं, जी मैंने खुद क्वारंटाइंड हूँ 14 डेज के लिए, कंप्लीट आइसोलेशन, बट लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत, लोग ऐसे बिहेव में पैनिक में हैं जैसे मुझे सच में कोरोना हुआ है, बट ये प्रिकॉशनरी है, लोगों को समझाना चाहिए, नथिंग टू पैनिक, जस्ट कीप डिस्टेंस, बी सेफ। बिल्कुल ऐश जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है ये केवल इसीलिए किया गया है ताकि हम लोग अपने घरों में रहें
और जब हम अपने घरों में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक आइसोलेशन के बराबर ही है, क्वारंटीन के बराबर ही है कि हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें कोरोना का खतरा नहीं होगा। क्योंकि बाहर अगर कोई घूम रहा है, कोई कोरोना पेशेंट्स है, कोई कोरोना संक्रमित है, तो उनके संपर्क में हम नहीं आएंगे तो हमें उसका असर नहीं होगा। ये सेल्फ क्वारंटीन बराबर ही है कि हम लोगों को इसीलिए बार बार अपील की जा रही है कि बार बार अपील ये की जा रही है कि आप लोग अपने घरों में रहें 21 दिनों तक आने वाले, अब तो दो दिन बीत गए हैं, 19 दिन बाकी हैं, तो आप लोग 19 दिनों तक अपने घरों में ही रहें, सेल्फ क्वारंटीन हो जाएंगे और इसीलिए इस कोरोना को हम हरा पाएंगे। मैं बात कर रहा था कि हमारे परिवेश की, भारतीय परिवेश की, जॉइंट फैमिली की। जॉइंट फैमिली में हुआ करते थे, धीरे धीरे सेपरेट हो गए, परिवार बढ़ते चले गए, कुछ लोग गाँवों को छोड़कर शहरों में आ गए, परिवार को समय नहीं दे पाते थे, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता, महंगाई इतनी, बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर चलाने के लिए हमें काम करना होता। लेकिन अब कोरोना की वजह से हमें एक मौका मिला है कि हम अपने परिवार के साथ रहें, घर में रहें। आपको ये एक बेहतरीन मौका मिला है कि अपने परिवार को समझ सकें, अपने परिवार को पूरा समय दे सकें, इसीलिए, और ना केवल समय दे पाएंगे अपने परिवार को बल्कि हम इस खतरनाक बीमारी से दूर भी रहेंगे, हमारा इस खतरनाक बीमारी से बचाव भी होगा। अब कुछ लोग ये जा रहे हैं सामान लेकर, इनसे जरा बात करते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं। भैया जरा रुकिएगा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? दुर्गा अनाज मंडी। किस लिए जा रहे हैं वहाँ पर? दिक्कत हो गया है। क्या दिक्कत जरा बताइए? दिक्कत खाने पीने का, कंपनी भी बंद हो गया, ठेकेदार था, ठेकेदार भाग गया गाँव। अच्छा। पैसा हम लोग का फंस गया है, गुड़गांव जाएंगे भैया के पास, वहाँ से फिर गाँव के लिए तैयारी करेंगे बिहार। कहाँ रहते थे आप लोग यहाँ पे? बिलासपुर में। तो बिलासपुर से पैदल आ रहे हैं आप लोग? पैदल आए कुछ दूर, गाड़ी से, तो सर लोग उतार दिए, पुलिस ले बोले कि आप उतर जाओ नीचे, पैदल नहीं जाओ। अच्छा। तो हम लोग वहाँ से भी पैदल आ रहे उस फ्लावर से। तो रहने वाले कहाँ के हैं आप लोग? हम रहने वाले बिहार का हैं, रोहतास जिला। तो अभी यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अभी जा रहे हैं अनाज मंडी, गुड़गांव। अनाज मंडी में कौन है आपके वहाँ पे? वहाँ पर मेरे गाँव का भैया रहते हैं। अच्छा। तो उनके पास जाके फिर वहाँ, वहाँ से फिर गाँव की तैयारी करेंगे। अच्छा। तो सरकारी वाहन तो कोई चल नहीं रहा है, कोई बस नहीं चल रही है, टैक्सी नहीं चल रही है, ऑटो नहीं चल रहे, तो कैसे जाएंगे गांव? अब वहाँ भैया कुछ बताएंगे जाने के बाद। खाना कितने दिनों से नहीं खाया आप लोगों ने? खाना तो अभी तो अपना लिमकी उमकी जो छान के रखे हैं वहीं जो है वहीं अपन रास्ते के लिए रखे हैं, पैसा वैसा भी शॉर्ट हो गया है। चलिए, आप लोग क्या काम करते हैं? हम लोग जेलेस कंपनी में काम करते थे। अच्छा। तो कंपनी बंद हो गया, ठेकेदार भी हम लोग का राजस्थान का था, राजस्थान भाग गया लेकर पैसा, फ़ोन लगा रहे तो बोले कि आज भर रुक जाओ, कल आ जाना, कल आ जाएंगे, अब फ़ोन लगा रहे तो स्विच ऑफ बता रहे उसका। चलिए, देखिए इन लोगों की परेशानियों को समझिए, कल हमने जो खबरें दिखाई थी, देखिए उधर भी कुछ लोग जा रहे हैं, लोग ऐसे पलायन कर रहे हैं, मजबूरी है इन लोगों की, क्योंकि यहाँ रहने के लिए अब पैसे नहीं है, किराए के कमरे के पैसे कैसे देंगे, खाने के लिए पैसे नहीं है, जो इनके ठेकेदार हुआ करते थे वो लोग भाग गए। तो ऐसे में मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोगों के आसपास अगर कोई रहता है तो आप लोग उनकी मदद करें, उनको खाना पहुंचाएं। इससे पहले एक खबर अपलोड की थी कल शाम को हमने, डीएलएफ के एक शख्स हैं अर्जुन पांडे, उन्होंने लोगों को खाना खिलाते हैं वो, और दिन भर में तकरीबन 400 लोगों का पेट भर रहे हैं। तो ऐसे ही आप लोग भी मदद कर सकते हैं ऐसे गरीब लोगों की जो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हमारी बार बार आप लोगों से अपील है कि आप लोग पुलिस, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी और भी अन्य कर्मचारी सरकारी जो इस कोरोना की लड़ाई में, जंग में हम लोगों के साथ खड़े हैं, हम लोगों के लिए खड़े हैं, उनका सम्मान करें, उनका समर्थन करें और सल्यूट करें ऐसे लोगों को, उनकी सराहना करें कि ये लोग ऐसी विपरीत स्थिति में भी हम लोगों के लिए खड़े हैं। हमारी आप लोगों से अपील है बार बार कि ज़रूरी ना हो तो आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, कोई इमरजेंसी ना हो तो आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। आने वाले 19 दिन जो बचे हैं उन 19 दिन आप इस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें ताकि इस कोरोना महामारी से हम अपने को बचा सकें, अपने आप को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, देश को बचा सकें। अगर देश प्रेम दिखाना है तो आप लोग घर में रहिए। बार बार आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है, आप लोगों के आसपास कोई गरीब परिवार रहता है जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, कृपया उन लोगों की मदद करें ताकि वो लोग सर्वाइव कर सकें ऐसी कठिन स्थिति में।
और अपील बार बार यही रहेगी हमारी आपसे कि ज़रूरी ना हो तो आप लोग घरों से बाहर ना निकलें। कल फिर दोबारा हम 11 बजे आपको आपसे रूबरू होंगे और आपको और तस्वीरें दिखाएंगे गुरुग्राम की कि लॉकडाउन के दौरान क्या स्थिति है गुरुग्राम की। अभी हम सबको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।